हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू रुतु। आज की स्टूडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आप लोग आयरन फार्म कैसे बना सकते हो। तो सबसे पहले आपको 10x7 का आपको ये बना लेना है। और यहाँ पे हमारे ये बन चुका है। अब यहाँ से आपको 7 ब्लॉक की हाइट रखनी है और फिर यहाँ पे इसको कंटिन्यू करते जाना है। चलो आगे क्या करते हैं वो देखते हैं। एंड देन फिर आप लोगों को चाहिए वाटर बकेट। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने वाटर बकेट ले लिया और हर हर कॉर्नर में आपको एक एक वाटर बकेट डाल देनी है, जिससे बीच में 4 ब्लॉक का गैप होना ही चाहिए जैसे कि आप लोग देख सकते हो। और फिर आपको थोड़ा नीचे की साइड डिग करना है। मैं आपको बता दूँ तो कितना आपको नीचे डिग करना है। अभी के लिए फिलहाल आपको 4 ब्लॉक डिग करना है और फिर यहाँ पे आपको चाहिए होगा बटन। एंड देन फिर आपको एक ब्लॉक छोड़ के दोनों साइड में आपको बटन लगा देना है। एंड देन फिर आप लोगों को हॉपर चाहिए होगा। सो आप लोग इसको सर्च करके ले सकते हो। आप इसको अपने सर्वाइवल वर्ल्ड में बना सकते हो। सो यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे हॉपर लगा देना है। यहाँ पे 2 ब्लॉक और डिग करके आप लोगों को हॉपर लगा देना है। यहाँ पे जो मैंने नीचे स्पेस छोड़ा है ना, वो आप लोगों के आने जाने के लिए मैंने स्पेस छोड़ दिया है, ताकि अगर आप लोगों को कभी आना जाना हो तो आप लोग आ सकते हो। एंड देन फिर यहाँ पे आपको हॉपर लगा देना है। देन फिर नीचे आने के बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे थोड़ी टॉर्च लेके कर देना है, यहाँ पे लगा देना है क्या, ताकि आप लोगों की जो है यहाँ पे ज़ॉम्बी स्पॉन ना हो। और फिर यहाँ पे आपको हॉपर से चेस्ट कनेक्ट कर देनी है, जहाँ पे आप लोग देख सकते हो आपको बैठ के हॉपर पे दबाना है, तो उससे चेस्ट जो है कनेक्ट हो जाएगी। एंड देन फिर आप लोगों को ऊपर जाने के लिए रास्ता बनाना है। एंड देन फिर ये कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को जो आपने ये बनाया था उसके अंदर जाना है और फिर यहाँ पे आपको ऊपर से एक ब्लॉक छोड़ के ऐसे कंप्लीट कर देना है। यहाँ पे 4 ब्लॉक आपको लगा देने हैं और फिर आपको अपने कमांड ब्लॉक में अपने कमांड में लिखना है /give@s command block। जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आपको कमांड फिर _ फिर ब्लॉक लिख देना है। एंड देन फिर जैसे आप लोगों के पास कमांड ब्लॉक आएगा, आपको एक ब्लॉक आगे उसी के ऊपर प्लेस करना है और फिर यहाँ पे आप लोगों को कमांड ब्लॉक लगा देना है। एंड देन फिर आप लोगों को, अभी मेरा थोड़ा रात जैसा हो रहा तो मैं इसको दिन कर लेता हूँ। एंड देन फिर आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे आपको एक जैसे कि आयरन कॉलम आप लोग स्पॉन करते हो वैसा कुछ स्ट्रक्चर जैसा बना देना है, यहाँ पे उसके पीछे लगाना है। फिर यहाँ पे इसको ऐसे तोड़ के यहाँ से ऐसे लगाना है और फिर यहाँ पे नीचे वाला ब्लॉक आपको तोड़ देना है। एंड देन फिर अभी मैं क्लियर कर लेता हूँ क्योंकि बारिश शुरू हो चुकी है। एंड देन फिर यहाँ पे आपको रेडस्टोन के सामान चाहिए, जैसे रेडस्टोन रिपीटर, रेडस्टोन टॉर्च और सिंपल रेडस्टोन डस्ट। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैंने रेडस्टोन रिपीटर ले लिया, रेडस्टोन डस्ट भी ले लिया, रेडस्टोन रिपीटर ले लिया और ये रेडस्टोन डस्ट भी ले लिया। अब ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, सो इसको आपको एकदम ध्यान से देखना होगा। लेकिन अगर एक बार ये हो गया ना तो आपके लिए बहुत आसान होगा इस फार्म को चलाना। यहाँ पे आपको लगा देना, इसको तोड़ देता हूँ मैं गलती से लग गया। और फिर यहाँ पे आपको ये लगा देना रिपीटर और फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ब्लिंक करने लगा है। तो अब आप लोगों को क्या करना है, अब आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी पिस्टन की। यहाँ पे आपका कुछ ऐसा फॉर्मेट बन जाना चाहिए, उससे क्या होगा कि यहाँ पे आसानी होगी। लेकिन
अगर आप चार चार वाला बनाते हो तो उसके लिए आपको शायद मुश्किल हो सकती है। तो यहाँ यहाँ पे मैंने ऊपर पिस्टन लगा दिया है, सो उससे क्या होगा यार, यहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हो ये ब्लिंक करना शुरू हो गया है। आप इसको थोड़ा कम पे सेट कर, इसकी टिक थोड़ी कम कर देना, नहीं तो फिर आयरन कॉलम जल्दी जल्दी स्पॉन हो गया और आपका ये वाला फेल हो जाएगा। सो अब आपने को क्या करना है, कमांड ब्लॉक में जाके लिखना है स्लैश सुमोन आयरन फिर अंडरस्कोर फिर कॉलम, यहाँ पे देख सकते हो मैंने ये लिख दिया है। और फिर अपने को क्या करना है, इसको काट देना है और ये थोड़ी देर में अपना आयरन कॉलम स्पॉन करने लगेगा। लेकिन अभी मैंने नीचे लावा नहीं डाला, तो अब अपने को लावा डालना है। तो यार लावा आप लोग कुछ ऐसे डालना है जैसे कि मैं डाल रहा हूँ, बटन के डायरेक्ट आपको ऊपर चारों ब्लॉक पे लावा डाल देना है जैसे कि आप लोग देख सकते हो। इससे क्या होगा कि आयरन गोलम डैमेज होगा लावा से और वो मर जाएगा यहीं पे। सो अभी आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे इसको प्लेस करना है और ये थोड़ा फास्ट हो जाएगा। इसके टिक हमको थोड़ी स्लो कर देंगे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इससे धीरे धीरे स्पॉन होते हैं और अगर ये जल्दी जल्दी होंगे तो ये लोग लावा में जाके मरेंगे नहीं। एंड देन फिर आप लोगों को इसको कवर कर देना है जैसे कि आप लोग देख सकते हो। एंड चलो और नीचे चल के देखते हैं अभी क्या कितने आ रहे हैं हमको मिले हैं इस ब्लॉक को तोड़ते। और यहाँ पे लास्ट टाइम जब मैंने कलेक्ट किया था तो मेरे को एक स्टैक दो स्टैक ऑलमोस्ट मिल गए थे दोनों चेस्ट से और थोड़े से आयरन और मिल गए थे। तो अभी हम 10 मिनट के बाद दोबारा से आए हैं, तो अब चेक करते हैं अभी इसने कितने आयरन प्रोड्यूस किए हैं, जल्दी जल्दी अंदर जाके देखते हैं। और यहाँ पे मैं अपने आयरन घर पे रख के आ चुका हूँ क्योंकि मेरा सर्वाइवल वर्ल्ड भी इसी से कनेक्टेड है, तो मैं वहाँ पे रख के आ चुका हूँ। और यहाँ पे देखते हैं, ओ भाई साहब इतने सारे आयरन यहाँ पे हमको देखने को मिल गए हैं। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं अभी भी प्रोड्यूस हो ही रहे आयरन। सो ये बहुत अच्छा आयरन फार्म है। आज से शुरू की मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेवल है। अगर ये आयरन फार्म आपको अच्छा लगा तो कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज से शुरू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।